उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सिर्फ एक छलावा है। निकाय चुनाव लड़ने की कांग्रेस की पूरी तैयारियां हैं और वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को ठगने का काम कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन पर नकुल दुबे ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा और कहा कि जिस मंत्री को यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखना चाहिए वो विदेश में मजे ले रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री जो बाहर निवेश के लिए बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? अब देखिए, ऐसा है कि विदेश घूमने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए ही, तो एक बहाना दिया गया है। और जो मुझे समझ में आ रहा है, लाख कोई नाम दे रहे हो, ये सिर्फ एक काम है, अडानी जी को नंबर वन कैसे बनाया जाए। तो हिंदुस्तान का पैसा शायद कम पड़ रहा होगा या यहाँ के सिचुएशन कम पड़ रही हो, तो उसके लिए वहाँ से पैसा इकट्ठा करके लाएंगे और यहाँ खजाना भरेंगे, खजाना भरने का उनके खजाने में डाल देंगे, फिर उनका कर्जा माफ़ कर देंगे, वो विश्व के नंबर वन कहलाएंगे, हम और आप ताली बजाएंगे। निकाय चुनाव है, कांग्रेस की कैसी तैयारी रहेगी? भारत जोड़ो यात्रा भी आपने कहा लखनऊ भी होते हुए जाएगी, कैसे? निकाय चुनाव में अगर आप लखनऊ शहर का दौरा करेंगे तो आप वो कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी दिखाई नहीं पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मजबूती से किलेबंदी करना शुरू कर दिया है और अगर इन लोगों ने जिला पंचायत या किसी अन्य सरकारी उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया तो हम लोग भारी तादाद में यहाँ से सभासद और मेयर जीत करके इस देश को, इस प्रदेश को संदेश देने का कार्य करेंगे। तो थे हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी, जिनका साफ तौर पर कह रहा था भारत जोड़ो यात्रा से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आगामी चुनाव होने हैं उसको लेकर तैयारी किया जा रही और ये यात्रा 11 दिसंबर से बाराबंकी से अवध जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वहाँ पर होने जा रही है। लखनऊ से एमके न्यूज़ के लिए अविनाश।